सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडेबल 4 के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अवेंजर्स 4 में सिल्वेस्टर स्टेलोन नहीं होंगे, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक धमाकेदार अपडेट आया है और वो अपडेट ये है कि सिल्वेस्टर स्टेलोन इसके फोर्थ पार्ट को ज्वाइन जरूर करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो इसके फोर्थ पार्ट में जरूर होंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस फिल्म की सीरीज के साथ में अभी फिलहाल तो काफी प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि बात करें इसके थर्ड पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो वो उतना अच्छा नहीं था। वेल, उसका रीजन आप सबको पता है कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट पर लीक हो गई थी और वो भी एक अच्छी क्वालिटी में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा काफी फैंस ने इस फिल्म को अच्छा सपोर्ट दिया, जिसके चलते इस फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था। तो अब सिल्वेस्टर स्टेलोन इस फिल्म के साथ में कुछ अलग करना चाहते हैं। अब वो अलग क्या है उसकी तो उन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो इसके फोर्थ पार्ट में जरूर नजर आएंगे। और उन्होंने इस फिल्म को लेकर ये तक नहीं बताया कि इस फिल्म की रिलीज डेट और ईयर क्या है। वैसे बात करूं इस फिल्म की खास बात की, तो इस फिल्म की खास बात ये है कि हमारे इस फिल्म के जितने भी एक्टर हैं, वो VFX के काफी खिलाफ है और वो लोग अपनी फिल्म में काफी कम VFX यूज करते हैं। तो जो एक्सपेंडेबल की सीरीज के फैन हैं, उन्हें पता है कि सिल्वेस्टर स्टेलोन का मूवी बनाने का अंदाज कैसा है और उन्हें किस टाइप की फिल्में पसंद है। हालांकि उन्होंने ज्यादा VFX यूज होने वाली फिल्मों में भी काम किया है, एग्जाम्पल के तौर पे पाइकिड 3 और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। लेकिन जब बात आती है उनकी, तो वो अपनी फिल्मों को जब भी डायरेक्ट करते हैं तो वो अपनी फिल्म को बिल्कुल अलग टच के साथ में बनाते हैं। ये बात काफी फैंस को भी पता है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है एक्सपेंडेबल 4 को लेकर, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।